हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो क्या है, सेवानिवृत्त कनीय पुलिस पदाधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ASI से इंस्पेक्टर को संविदा पर ले जाने पुलिस मुख्यालय ने सरकार के दिशा निर्देश को तय मापदंड कर दिया। सिर्फ उन्हीं सेवा पुलिस निवृत्त पुलिसकर्मियों को इस नियुक्ति का लाभ मिलेगा जिन्होंने इससे पहले संविदा पर काम नहीं किया है। इससे पहले भी पुलिस मुख्यालय ने आवेदन में किसी की संविदा पर नियुक्ति नहीं हुई थी। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक फिलहाल संविदा पर उन्हीं पुलिस कर सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक एवं 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच जो पुलिस सेवानिवृत्त हुए हैं, यह नियोजन पूर्णति कोटा के रिक्त पदों के खिलाफ होगा। आदेश होने की तिथि 1 वर्ष के लिए ही, पर यदि 1 वर्ष के अंदर संबंधित नियुक्ति के पद पर नियुक्ति निमित्त पूर्णति कर्मी उपलब्ध होते हैं तो संविदा नियोजन है जो कि स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इसके अलावा कई मापदंड तय किए हैं जिसके तहत यह नियोजन सिर्फ 1 बार के लिए ही होगा। और इसमें क्या है, 18 जून से कर सकें संविदा पर नियुक्ति इच्छुक ASI से इंस्पेक्टर व समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी उस जिला या इकाई में आवेदन जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, 18 जून तक उन्हें आवेदन समर्पित करना होगा। इसके बाद जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय प्रधान कई बिंदुओं पर छानबीन कर अपने अनुशंसा के साथ पुलिस मुख्यालय 25 जून तक प्रस्ताव भेजेंगे। वहीं संविदा नियोजन वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने संविदा के लिए पूर्व में आवेदन दिया है उन्हें फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद नियोजन होगा। तो पुलिस मुख्यालय के कार्मिक व एवं कल्याण प्रभाग द्वारा दिशा निर्देश संविदा नियोजन इसी पद के लिए होगा जिस पद के लिए संबंधित कर्मी जो कि सेवानिवृत्त, ऐसा नहीं कि दूसरे पद के लिए होगा। और अंतिम 10 वर्षों में कोई विधेयक दंड नहीं दिया गया हो, वहीं सेवा काल के अंतिम पर कोई दंड नहीं दिया गया हो, आवेदक इस बात की घोषणा पत्र देंगे पहले संविदा पर कार्यरत नहीं है, ये सब देंगे। कनीय पुलिस पदाधिकारी जो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच उन्हीं को है जो कि यह अवसर दिया है, मतलब 18 जून से ये आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक ये सवाल है वैकेंसी का, तो ये सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है और ऐसा नहीं कि ये सीधी भर्ती से इसे कोई मतलब नहीं। सीधी भर्ती अगर आती है तो निश्चित रूप से वो इस साल अगर आती है तो अच्छी बात, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इन नियुक्तियों से। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो क्या है, पटना हाईकोर्ट में है जो कि लॉ असिस्टेंट का जो कि 16 पद पर है जो कि भर्ती निकल गया है। और इसके लिए जो कि इच्छुक उम्मीदवार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा 3 वर्ष से 5 वर्ष पढ़ाई करने में अंतिम वर्ष भी छात्र लॉ असिस्टेंट के पदों पर भर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा और आधार ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 जून, वही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 250 रुपये मतलब patnahighcourt.gov.in पर जाएंगे। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। 16 पदों पर है जो कि ये भर्ती है जो कि आई है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये है आपको परीक्षा कल है जो कि UPSC का था, 40,000 परीक्षार्थी शामिल होने थे लेकिन 40% ने छोड़ी परीक्षा। तो ये पटना में है जो कि 90 सेंटरों पर हुआ था परीक्षा। COVID-19 बचने के लिए बेहतर उपाय किए गए थे। 10 से 11 पोस्ट इसमें IAS IPS IFS और केंद्र ग्रुप ए के पद भरे जाएंगे। पहले पेपर की परीक्षा में जो कि निकलने पिछले साल की तुलना में प्रश्न को कठिन बताया। परीक्षार्थियों ने बताया कि क्वालिटी इंडियन इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम पर्यावरण आदि से प्रश्न पूछे गए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 11:30, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 तक था। CSAT के अंक नहीं जोड़े जाएंगे और निश्चित रूप से जो कि 80 प्रश्न वहीं CSAT में 80 प्रश्न पूछे गए हैं, ये जोड़ा नहीं जाएगा। कट ऑफ है जो कि 100 से 100, हालांकि अगले बार 53 के आसपास गई थी तो इस बार जो था और कम जाए क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि पिछले कई वर्षों से काफ़ी कठिन है। और प्रथम पाली में है जो कि 100 प्रश्न पूछे गए, 200 अंक निर्धारित हैं और 1/3 जो कि अंक कटेगा इतिहास भूगोल कृषि अर्थव्यवस्था और संविधान से 2/3 प्रश्न पूछे गए थे। अर्थशास्त्र पर्यावरण करेंट अफेयर्स और भूगोल से इन चारों सेक्शन के लगभग 60 प्रश्न पूछे गए। इतिहास से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे। राजनीतिक शास्त्र सेक्शन से 10-12 प्रश्न जो कि जो बेसिक साथ साथ अद्यतन जानकारियों पर आधारित थे। संविधान के लगभग सभी प्रमुख अध्याय से प्रश्न पूछ, विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 15 प्रश्न थे। NCERT का जिन्होंने बेसिक अवधारणा को पढ़ा होगा उनके लिए जो कि 90 से 100 नंबर लाने मतलब 45 से 50 के बीच है जो कि कट ऑफ है जो कि रह सकता है। और यहाँ पर दिया मात्र जो कि 60% परीक्षार्थी ही शामिल हुए हैं और 40% हैं जो कि अनुपस्थित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि ये प्रश्न है जो कि काफ़ी टफ रहा है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।